हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल घुमक्कड़ पहाड़ी। और ये अभी हम जा रहे हैं बर्फ़ में, सराहा पहुंच गए हैं जो कि हमारा सिरमौर में पड़ता है। और ये देखो बर्फ़ बहुत पड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है, रोड काफ़ी थी धर्मपुर से लेकर। और ये अभी हम पहुंचने वाले हैं, ये जो क्लिप पे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी पौंटा साहिब की है, रोड बहुत अच्छा है देखिए, और इंडिकेशन जो है रोड की बहुत ज़बरदस्त है। और ये शिलाई, वहाँ से हम शिलाई होते हुए फिर हम जा रहे हैं, देखते हैं जैसे कि आप शिलाई से नीचे रोड का काम चला हुआ है। ये हमारा NH है जिसका काम चला हुआ है अभी, और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रोड बन रहा है अभी। अभी तो बहुत बुरे हाल है रोड के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रखे हैं और पानी कम रखा है उससे। और ये NH 700 जिसके आप ये सुबह सुबह हमें शादी की गाड़ियाँ मिली, हम भी इनके साथ लाइन में लग गए पीछे और चले गए हैं आराम आराम से धीरे धीरे धीरे। अभी हम इसमें इसी रोड में जा करके काफ़ी नीचे जा करके लास्ट टाइम जब आए थे हम रोड बन था तो वहाँ को आया, बस से वापस मुड़ना पड़ा और फिर हमारा बड़ा भरी फिर की शिलाई होते हुए काफ़ी लंबा कोई 250 किलोमीटर का रन हमारे को करना पड़ा। जो ये सामने दिख रही है उत्तराखंड के पहाड़ है, और ये उत्तराखंड का जो ऊपर है एक लिंक रोड है, इसमें भी रोड जाता है। और यहाँ नीचे उधर से इधर को ये जो जिस रोड में हम चल रही है हिमाचल प्रदेश है और सामने उत्तराखंड है, यहाँ जो नीचे नदी आती है वो है कोपर नदी, और उधर से भी एक नदी आती है जो सिरमौर साइड से, और नदी बांटती है जैसे पुल दिख रहा है। ये सामने पार उत्तराखंड है और यहाँ से इधर को मीनस, और मीनस में भी यहाँ पर एक कोपर नदी मिलती है, उस तरफ को हिमाचल आता है और इस तरफ को उत्तराखंड, और उसमें भी एक अंदर से एक नदी आती है जिसमें कि वो काटती है इधर को सिरमौर को काटती है और उधर डिस्ट्रिक्ट शिमला में आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट शिमला का ये नेरवा वाला एरिया आता है, चौपाल नेरवा पता होगा आपको जैसे कि, और यहीं इसी में ऊपर को हाइट में जा कर के हमारे चूड़ेश्वर महाराज जी का भी मंदिर है। ये बहुत ही लंबा रन है और देख सकते हैं आप रोड बहुत ही ज़बरदस्त और कच्चा है, रोड के बहुत बुरे हाल थे। तो हम रात को सो गए थे 1-2 घंटे ऊपर शिलाई में, 4:30 बजे पहुँचे सुबह हम शिलाई, फिर उसके बाद 1-2 घंटा सोए वहीं गाड़ी में ही, बाकी तो बंद था सब कुछ वहाँ। वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ी हुई थी थोड़ी थोड़ी, सुबह के टाइम तो पिघल गई थी, और हाइट में तो बर्फ़ है ही है। ये देखिए आपका सामने मीनस वाला, और अब हम मीनस से इधर को आ गए हैं। अभी जिस रोड में चले हुए ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है और सामने को सिरमौर वाला एरिया आ जाता है। इसमें बहुत ज़बरदस्त एरिया है, इसमें बीच में हमारा हिमाचल भी लगता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट शिमला, बीच में आपका उत्तराखंड आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट शिमला आ जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा स्टेशन है इसमें। और बहुत अच्छे अच्छे रोड है आगे को, जब हम आगे एक पुल आता है फेडीज पुल करके बोलते हैं उसको, जो फेडीज पुल है वो बहुत ही पुराना पुल है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम का इस्टेब्लिश है। जैसे कि अभी आप देखेंगे इसमें ही आगे, अभी साथ साथ ही आगे आएगा, तो वो बहुत ही यूनिक और पुराना पुल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अंग्रेज़ों ने बनाया होगा तो कैसा पुल होगा। ये देखिए सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से भरे हुए, ये उत्तराखंड के पहाड़ है, और जो हमारे जो सिंगर है अपने नौटियाल जी वो भी इसी एरिए के हैं, यहीं पर वो अंदर को एरिया पड़ता है जहाँ के वो है, बहुत ही पहाड़ी इलाका है, वो भी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है वहाँ पर भी, और रोड बंद है उधर से भी, मैक्सिमम रोड बंद है, और बहुत ज़्यादा हैवी स्नो आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ आई है। अब आप सोच सकते हो कि धर्मपुर कहाँ है, धर्मपुर वहाँ तक बर्फ़ इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, कम से कम 4-4 इंच बर्फ़ थी जब हम इधर को सराहा वाले रोड में चलते, 4-5 इंच थी कहीं, और पूरे रोड में बर्फ़, गाड़ियाँ भी बहुत ही मतलब रियर हमें शायद 10 या 12 गाड़ी ही मिली होगी रास्ते में, बल्कि नाहन से तो स्पेशल लोग आए हुए थे सराहा को जब हम जा रहे थे रास्ते में, वहाँ से मिले बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर के आए हुए थे और वहाँ से जा रहे थे। ये देखिए आप ज़बरदस्त वाला, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही आता है ये जो एरिया आ गया है गुम्मा। हाँ यहाँ पर जो पेट्रोल पंप है वो यहीं पर गुम्मा में ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा शिलाई के बाद, अगर आप शिलाई वाली साइड से आते हो। अगर आप आते हो विकास नगर जो कि हमारा उत्तराखंड वाला है, तो उत्तराखंड में आपको वहाँ के बाद पेट्रोल पंप सिर्फ आगे हमारा एक प्रोजेक्ट आता है उसी के पास मिलता है। और ये देखिए आप फेडीज पुल जिसकी बात मैं कर रहा था,
ये जो है पुराना पुल है और साथ में देखिए नया पुल का निर्माण हो रहा है, और जो सामने रोड है वो अभी जो जा रहा है उधर से ऊपर को, वो नेरवा चौपाल की ओर की जाएगा। और ये जो नदी है, नदी क्रॉस करके सामने ये उत्तराखंड है, बल्कि रोड इसमें जाएगा और फिर नदी काट के जो इधर वाली धार है उसमें नेरवा आ जाएगा, और जो इधर को है वो उत्तराखंड का एरिया आ जाता है। देखिए जो ये वाला रोड जा रहा है, ये जा रहा है नेरवा, और ये देखिए रोड बहुत ही काम चला हुआ है, तो इसलिए उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का जो भी सामान है वो सारा रखा हुआ है। रोड बहुत ही गंदा है क्योंकि काम चला हुआ है रोड का, तो इसलिए रोड के कुछ खास हालात ठीक नहीं है। हाँ अभी आगे कोई 100 या 200 मीटर बाद रोड बहुत अच्छा है, बिल्कुल पक्का रोड है सिंगल बट बहुत ज़बरदस्त रोड है। मेरी तो स्पीड वहाँ 70-80, 80-70-80, 90 हद तक 90 चले जाती है, पर रोड बहुत ज़बरदस्त है। और उत्तराखंड का मेरे को ये वाला रोड बहुत ज़बरदस्त है, और सबसे बड़ी बात डेंजर भी है। जैसे हमारा किन्नौर का रोड है वैसा ही कई कई इसमें पॉइंट्स आते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाते हैं वो पॉइंट्स, तो बिल्कुल गाड़ी अगर देखा जाए तो गाड़ी फेस टू फेस ही आ जाती है कभी कभार, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई मुंह पे ही आ गया हुआ है, डर ही लगता है कि कहीं गाड़ी बच ना जाए। और ऊपर से इस रोड में मैक्सिमम जो चलते हैं आप, जैसे रोडू वाले हैं, रोडू वाले भी आ रहे हैं, चौपाल वाले भी आ रहे हैं। हाँ और एक खासियत, जैसे भी आपने देखा है वीडियो में पीछे, जो पानी के लिए यहाँ पर कलवट नहीं लगाया होता, रोड को डाउन कर दिया जाता है एकदम, और फिर उसके ऊपर से ही पानी जा रहा होता है। जैसे आप स्पीड में जा रहे हो तो आपको रोक आराम से गाड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी जोर से बच करके उसमें आपका चैम्बर भी फट सकता है गाड़ी का। तो ड्राइविंग के लिए यहाँ चेक पोस्ट आ गया है आगे, मैं भी वीडियो बंद कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, यहाँ चेकिंग होगी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ उत्तराखंड में, तो इसलिए अब यहाँ मेरी चेकिंग वगैरह हुई। ये पहुँच गया मैं आगे जो उत्तराखंड का पहला एरिया है, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, बहुत ज़बरदस्त। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो खाना था वो चूल्हे पे ही बना हुआ था, और खाना बहुत ज़बरदस्त था, जैसे कि राजमा और परौंठे एंड दही दी उन्होंने, और चटनी लोकल बहुत ज़बरदस्त। देख सकते हो आप रोड बहुत अच्छा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा मिट्टी विट्टी, पर रोड बिल्कुल पक्का रोड है और गाड़ी बिल्कुल जम के चलती है, बिल्कुल ज़बरदस्त। देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं दे रखी है, और यहाँ पर पैराफिट नहीं है, वो लगा रखे है लोहे के, ये चीज़ थोड़ी सी डिसएडवांटेज है इस रोड की। कहीं कहीं जहाँ पर ज़्यादा जीप है वहाँ दिए नहीं है, जैसे कि ये दिए ना लोहे के गार्डन, ऐसे ही अगर दिए जाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट नीचे को है रोड, और उसमें ये पत्थर आ चुके हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पत्थर आए हुए थे रास्ते में, वहाँ कई जगह मिले। रात को हमने कुछ कम ही वीडियो बनाई, वो थोड़ी बहुत ही बनाई मैंने कहीं कहीं जहाँ मुझे लगा कि अच्छा है, थोड़ा सा धूप वाले एरिया में जहाँ ठीक लग रहा था वो वीडियो बनाई। ताऊजी है पत्थर साफ कर रहे हैं रोड से ताकि गाड़ी बना बच जाए, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है K10 है, और इसमें थोड़ा सा जो पुराने वाली है, ये पुराने वाली नहीं है, इसमें रोड में नीचे बजने का डर रहता है क्योंकि चैम्बर चुम्बर अगर लग गया तो फट गया, फिर हमारे उसमें काम करने के लिए बहुत जीवन जाना पड़ेगा। काशी वाला एरिया आता है जहाँ हम चले, और अगर हाँ जैसे भी आप देख रहे हो इसमें आगे एरिया आएगा त्यूनी, त्यूनी से आप अगर कभी चार धाम की यात्रा करनी हो, जैसे हमारे रामपुर वाले हैं, किन्नौर वाले हैं, इवन शिमला वाले भी, अगर उनको थोड़ा सा फन लेना है रोड का, थोड़ा सा समझ रहे ना आप ऑफ रोड टाइप सिस्टम बनाना है गाड़ी के साथ जा कर के थोड़ा सा अलग से फील लेना, तो बहुत अच्छा रोड है। आप इसमें शिमला वाली साइड से अपना इधर हाटकोटी माता के मंदिर वाली साइड को आ सकते हो, हाटकोटी से आपका जाता है रोड परिद्युनी के लिए, और इधर रोड के लिए फिर वहाँ से आप जा सकते हो अणु। अणु यहाँ की खासियत है कि यहाँ लाल चावल मिलते हैं जो जगह है। हाँ जैसे मैं बता रहा था ये उत्तराखंड का एरिया है सारा, अगर आपको जाना है तो आप यहाँ से, जैसे केदारनाथ जाने वाला है कोई तो आप आओ रामपुर वाली साइड से, तो आप इधर नारायण पहाड़ी होते हुए फिर रोड के लिए रोड से फिर आपको हाटकोटी आना पड़ेगा, सावड़ा सावड़ा से कुल्लू से फिर त्यूनी, त्यूनी होते हुए आप फिर अंदर, आपने सीधा नहीं जाना है त्यूनी, उधर को जाना पड़ेगा आपको, फिर वहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोड बहुत वैसे ही जैसे मैंने बताया था आपको अप एंड डाउन होता है बिल्कुल एकदम,
डाउन कर देते हैं रोड को, जैसे पहले भी बताया था मैंने आपको। और जैसे मैं बता रहा था कि आप चार धाम जा सकते हो, बहुत ही अच्छा है रोड, और भी बहुत ज़्यादा अंदर जब आप त्यूनी से अंदर जाओगे तो बहुत से रोड हैं अलग अलग। इवन आप मसूरी भी जा सकते हो वहीं से ही अंदर अंदर से। रोड ठीक है, हरिद्वार के लिए बहुत अच्छा रोड है ये भी, विकल्प बहुत ज़बरदस्त है ये वाला। अगर आना चाहे तो यहाँ से देख सकते हो रोड, जैसे कहीं पानी वाला रोड होता था वहाँ पर टाइलें बिछाई हुई है, देखिए देखिए आप जो घरों के बाहर लगाई होती है, तो अभी रोड आप देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त। मज़ा आ जाता है गाड़ी चलाने का इस रोड में ना, थोड़ा मतलब थ्रिल टाइप हो जाता है अगर ज़्यादा स्पीड में चला, पर ज़्यादा स्पीड में नहीं चलानी चाहिए क्योंकि रोड आपको पता है, फिर हम नए नए होते हैं रोड का पता नहीं होता है, तो कहीं हादसा हो, हादसे के शिकार हो, उससे अच्छा है कि आप लिमिटेड स्पीड में चले, जिसमें कि आपको दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक दिख रहा है आप उस हिसाब से अपने हिसाब से गाड़ी को बना करके स्पीड एक चला सकते हो। अच्छी स्पीड में यहाँ 40-50 की स्पीड अच्छी आ जाती है यहाँ पर, जिसमें कि गाड़ी कंट्रोल भी हो जाती है और बढ़िया अच्छे से आराम से चल जाती है। तो देखिए आप, जैसे अब यहाँ पर बसेस बहुत कम चलती है इस वाली जो रोड है ना, ये विकास नगर से इधर को अटाल बोलते, भी अटाल आएगा अभी, अटाल सॉरी पीछे चला गया जहाँ मैं खाना खाया था, नटाल नटूल बहुत ज़्यादा एरिया है यहाँ पर अंदर ही अंदर। जैसे कि अब मेरे बैटरी हो गई थी डेड और 2% बैटरी रह गई थी और मैं त्यूनी की वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने फ़ोटो ले ली यहाँ की जितना हो सकता है। और यहाँ ये त्यूनी है, त्यूनी से रोडो डिपो की बस भी चलती है त्यूनी होना, कभी किसी ने जाना हो तो शिमला से उन्ना त्यूनी बस आती है उसमें आ सकती है अगर आप त्यूनी के लिए आना है। बहुत अच्छी जगह है, पुराने टाइम में ये महासू का एरिया आता है सारा जितना भी ना, तो यहाँ पर जैसे हिमाचल वाला एरिया आ गया है देखो अभी, फिर नाला क्रॉस करके उत्तराखंड लग जाएगा, ऐसे ही है कुछ कुछ जो नाले हैं ना वो डिवाइड कर देते हैं हिमाचल और उत्तराखंड को, तो ज़बरदस्त देख सकते हो आप रोड। और इसमें अभी हमें आगे आगे जाना है। और हाँ, पेट्रोल पंप की बात जैसे मैं बोल रहा था, आपको यहाँ भी पेट्रोल पंप मिलेगा त्यूनी के साथ ही, तो वहाँ पर भी आप तेल भर सकते हो अगर मतलब गाड़ी ला रहे हो तो। आपको पता होना चाहिए कि कहीं आपके पास विकल्प नहीं है, वैसे तो आपको गूगल मैप पे दिखे। ये भी जो पुल है बहुत पुराना है, ये भी अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, आर से पार जाने के लिए है, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ ज़मीन इतनी ज़बरदस्त है सीधी, और यहाँ पर नीचे एक जगह में आगे जा करके ना किसी ने वो क्या बोलते हैं अपना ट्रॉट मछली का प्लांट भी लगाया हुआ था नदी के साथ, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। और बर्फ़ इतनी ज़्यादा आई है कि अभी तो पिघल गई है, मैक्सिमम काफ़ी नीचे तक बर्फ़ आई हुई है यहाँ पर हर जगह में। और इतना प्यारा रोड है ना, मेरे को मैं क्या बताऊँ, मतलब कीड़ा जाग जाता है मेरे अंदर का जब मैं ऐसा रोड देखता हूँ, मेरे पैर रुकते नहीं, ऐसा लगता है कि बस क्या करूँ, कैसे इसको मैं चेज़ करूँ पूरी गाड़ी ज़बरदस्त होती है, ऐसा मतलब फील आता है। दम चलाने वाले में होना चाहिए। ये आराकोट जगह भी बहुत फेमस है, यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा और त्यूनी में मिलेगा। यहाँ के बाद फिर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा जब आप हाटकोटी जाओगे, हाटकोटी से ऊपर भी हो जाता है आपका कोटखाई वाली साइड को, तो वहाँ पर पेट्रोल पंप मिलेगा ऊपर आपको, फिर कोटखाई में भी मिलेगा, रोडू में भी मिलेंगे। रोडू में तो 3-4 पेट्रोल पंप है, कमी नहीं है वहाँ पर पेट्रोल पंप होगी, और अच्छा है। और लास्ट टाइम 2019 में जब बाढ़ आई थी यहाँ पर ना, बादल बूदल फट गए थे तो ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, तो उस दौरान जो बाढ़ आई उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था यहाँ पर, और बहुत ही मतलब रोड बंद रहे, पूरे के पूरे रोड गायब हो गए थे, ज़बरदस्त नाला आया था, बल्कि रोडू वाला भी बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी, उफ़ अंधाधुंध। तो काफ़ी ज़्यादा ही देख सकते हैं आप, रोडू रिपो की बस भी हमारे को देख गई, अब हम रोडू वाले एरिया में। अब हम जैसे रोडू की बस दिख गई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त एरिया है, अब मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला लग गया है और ये रोडू वाला एरिया आ गया हुआ है। और ये हम पहुंच गए हैं हाटकोटी से पीछे, जगह का नाम है सावड़ा। यहाँ पर सावड़ा में कॉलेज भी है, एक रोडू में है, रोडू में है सीमा कॉलेज, ये हमारे हाटकोटी माता, और यहाँ पर जो बांध बना हुआ है जिस पे कि अभी कुड्डू सावड़ा जो मैं बांध रहा था आपको, यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, इस पे बहुत ज़बरदस्त प्लांट सॉरी बिजली की पैदावार होती है यहाँ पर, और बिजली पैदा हो रही है, अभी कुछ ध्यान नहीं है कि कितनी मेगावाट होती है, ध्यान देती है
400 मेगावाट आई थिंक यहाँ पर तुम्हारे जो रोड था पीछे जा रहा था कोट खाई को ऊपर शिमला के लिए, और ये वाला जो रोड है रोडों की तरफ चल पड़े हैं। ये हमारा हटकोटी से आगे वाला रोड है, ये टू लाइन रोड है, बहुत खुला डुला है, बहुत अच्छा रोड है। पहले तो सिंगल रोड हुआ करता था, पर रोड अब बहुत अच्छा है रोडों में। बल्कि इवन पीछे माँ हटेश्वरी का मंदिर भी है, बहुत फेमस है। मतलब वहाँ पर देखेंगे तो आप शहर जो रियासत है उसके अंतर्गत जो मंदिर आते हैं, जैसे कि टेंपल है, जैसे हमारा सरहान मंदिर है, या फिर ये सारी भीमाकाली ट्रस्ट के अंडर आते हैं मंदिर जितने भी हैं ना। और यहाँ पर ये बहुत फेमस मंदिर है हमारा जो है यहाँ पर हटकोटी का। ये रोडू आ गया, जैसे पेट्रोल पंप की बात कर रहा था तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं रोडू में। पेट्रोल पंप भी है, यहाँ दो तीन पेट्रोल पंप है रोडू रोडू में ही, दूर दूर नगर परिषद रोडू आपका स्वागत है। दिखते हो बर्फ भी पड़ी हुई है, और यहाँ नीचे को हमारा बस स्टैंड है रोडू का। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ऊपर हमारा हॉस्पिटल दिख रहा है रोडू का, यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है रोडू का। दोस्तों फाइनली अब हम देख सकते हो आप जैसे कि रोडू पहुँच गए हैं, और आज की डेस्टिनेशन हमारी यही है। तो इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा और क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या मेरी कमियाँ थी, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और मेरा साथ दीजिए, फॉलो कीजिए मुझे, और सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर प्लीज़ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा, जिसमें कि आपको अच्छे अच्छे जगह घूमने के लिए ज़बरदस्त, जिसमें कि आप इंजॉय ले सको। जय शंकर की।